चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक व्यक्ति अपने पुत्र की वर्तमान आयु का 5 गुना है, 8 वर्ष बाद वह अपने पुत्र की आयु का 3 गुना हो जाएगा, तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या है? चलिए इस क्वेश्चन में 2 व्यक्ति दिए गए हैं, एक पुत्र है और दूसरा पिता है, दूसरा व्यक्ति पिता है। मान लेते हैं कि इनकी वर्तमान आयु पुत्र की x है और पिता की y है। तो वर्तमान आयु में इनका रिलेशन दिया हुआ है, वर्तमान कंडीशन में पिता की आयु पुत्र की आयु का 5 गुना है, तो क्या हो जाएगा ये? पिता की आयु हमने y ज़ूम किया है, तो y इक्वल टू हो जाएगा ये 5x। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट बोला है 8 वर्ष बाद वह अपनी पुत्र की आयु का 3 गुना हो जाएगा, तो पहले हम ये निकाल लेते हैं कि 8 वर्ष बाद इनकी उम्र क्या होगी। 8 वर्ष बाद समय के साथ उम्र बढ़ती है, तो 8 वर्ष बाद इसमें 8 वर्ष की वृद्धि हो जाएगी, तो x प्लस 8 और y प्लस 8, और 8 वर्ष बाद इस उम्र में रिलेशन कैसा है? 8 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु का 3 गुना हो जाएगा। तो देख लीजिए 8 वर्ष बाद पिता की उम्र कितनी है, y प्लस 8, और पुत्र की आयु कितनी है, x प्लस 8 इंटू 3। यहाँ से आप एक्स वाई में रिलेशन मिल जाएगा, y प्लस 8 इक्वल टू 3x प्लस 24। आपको किसकी उम्र चाहिए? पुत्र की वर्तमान आयु निकालनी है, इसका मतलब आपको x का वैल्यू निकालना है। तो आप इक्वेशन फर्स्ट से यहाँ y की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा ये 5x प्लस 8 इक्वल टू 3x प्लस 24। तो यहाँ क्या हो जाएगा 5x माइनस 3x, 8 को उधर ट्रांसफर कर दीजिए, 24 माइनस 8। यहाँ देखिए ये हो जाएगा 2x इक्वल टू, ये हो जाएगा 16। सो x इक्वल टू यहाँ हो जाएगी 8 वर्ष, और x क्या है, पुत्र की वर्तमान आयु, तो 8 वर्ष आपका आंसर है, ये ऑप्शन नंबर ए, ठीक है।